हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू उदित फार्मेसी। और आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, कि एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है पब्लिक हेल्थ के लिए। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में अपना पढ़ लिया था, हेल्थ क्या होती है, WHO के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन क्या होती है, साथ ही साथ हमने डायमेंशन ऑफ हेल्थ या फिर बोल सकते हैं टाइप ऑफ हेल्थ भी हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो इतने सारे टॉपिक हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में डिस्कस कर चुके हैं। एक और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा अभी रिमेनिंग है, जो है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है? ये फार्मासिस्ट है, ये पब्लिक है, और इस एक फार्मासिस्ट का पब्लिक हेल्थ के लिए क्या रोल होता है, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया है, दे प्रोवाइड पॉपुलेशन बेस्ड करियर। जो आपके फार्मासिस्ट होते हैं, जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं, वो पॉपुलेशन बेस्ड केयर प्रोवाइड करवाते हैं पॉपुलेशन को। उसके बाद है यहाँ पे दे प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग मेडिकेशन सेफ्टी प्रोग्राम्स इन देयर इंस्टीट्यूशंस एंड कम्युनिटीज। अब देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा हेल्थ अवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे हेल्थ अवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें लोगों को जागरूक किया जाता है मेडिकेशन के लिए। तो वो काम भी किसका होता है, इस टाइप के प्रोग्राम्स करवाने का काम एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। ये एक फार्मासिस्ट का रोल होता है पब्लिक हेल्थ केयर के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट, दे डेवलप हेल्थ एजुकेशन पॉलिसीज। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो हेल्थ एजुकेशन पॉलिसीज भी बनाते हैं या फिर बना सकते हैं। एंड प्रोग्राम्स कंडक्ट डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, और प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं किसके लिए, डिसीज प्रिवेंशन के लिए, और जितनी भी डिसीज, जितनी भी बीमारी होती है उनके कंट्रोल के लिए। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम के लिए, कंट्रोल मतलब रोकने के लिए, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के प्रोग्राम, जैसे कि मैंने बताया आपको रूरल एरिया में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जहां पे लोग बग जाते हैं हेल्थ के लिए, अवेयर करते हैं लोगों को कि आपकी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से रखना चाहिए, ये तरीके होते हैं हेल्थ के लिए ध्यान रखने के लिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज क्या होता है, जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, या फिर अगर नहीं की है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज होती है कि कोई पेशेंट है, जैसे किसी पेशेंट को हो गया है कैंसर, ठीक है, कैंसर का कोई पेशेंट है, उसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या होगा, एक दिन जाके उसकी डेथ ही हो जाएगी, लेकिन वो क्या नहीं होगा, अपनी हेल्थ को लेके अवेयर नहीं है, इसीलिए वो उसकी जांच नहीं करवाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, कैंसर उसकी पूरी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उन्हें पूरी तरीके से खराब कर देगा और उसकी डेथ हो जाएगी। किस कारण ये, कि ऐसा नहीं है कि कैंसरस पेशेंट बहुत बड़ी बीमारी है कैंसर, ऐसे ही डायबिटीज हो गया या फिर कोई भी बीपी की बीमारी हो गई या फिर कोई भी ऐसी बीमारी है जिनके लिए लोग बाग अवेयर नहीं होते हैं, उन्हें अवेयर करने का काम किसका होता है, एक फार्मासिस्ट का होता है। उसके आगे अगर मैं बात करूं, फोर्थ पॉइंट जो है, दे कोलैबोरेट विद स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज इन्वॉल्विंग लोकल एंड स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट एंड बोर्ड ऑफ हेल्थ टू एड्रेस लोकल एंड रीजनल हेल्थ केयर नीड सच एज एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम। अब देखिए क्या होता है, एक फार्मासिस्ट की और क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या रोल होता है पब्लिक हेल्थ केयर के लिए। तो यहाँ पे दे कोलैबोरेट विद स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं, कोलैबोरेट मतलब बातचीत करते हैं किससे, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज से, इन्वॉल्विंग लोकल एंड स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसमें आपके लोकल और स्टेट लेवल के हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल होते हैं, एंड बोर्ड ऑफ हेल्थ, जिसमें क्या होता है, बोर्ड ऑफ हेल्थ भी शामिल होता है। टू एड्रेस लोकल एंड रीजनल हेल्थ केयर नीड्स, किसके लिए, कि जितनी भी लोकल या फिर रीजनल, जो कि जरूरी ही है, और लोकल मतलब जिनकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, इस तरीके के जो हेल्थ केयर्स होते हैं जरूरतों के समान होते हैं, उन्हें फुलफिल करने के लिए, सच एज एनवायरमेंटल हैजर्ड्स,
देखिए एनवायरमेंटल हैजार्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि एक मशीनरी आती है जिसमें दवाई रहती है, जो जैसे मलेरिया कहीं पे बीमारी है, डेंगू कहीं किसी टाइम चलता है, तो उसे खत्म करने के लिए गांव गांव में गली गली में वो मशीन घुमाई जाती है, उसमें केमिकल होता है, उसमें दवाई होती है, जिससे कि वो जो मॉस्किटोज हैं या फिर जो भी इन्फेक्टेड चीजें हैं वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो इस टाइप के एनवायरमेंटल हैजार्ड्स एंड एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम, या फिर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम क्या होते हैं, जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल के कारण किसी भी कारण उसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई, हार्ट में पेन होने लगा, तो इस टाइप के जो इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है उसे किस तरीके से हैंडल करना है, एकदम पैनिक नहीं होना है, किस तरीके से उसे हैंडल करना है। किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, मिर्गी वगैरह की दौरे आते हैं, तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, आप उसे देख के घबराए नहीं, या फिर जो गाँव में रूरल एरिया में बोलते हैं कि उसे प्याज सुंगा देनी चाहिए, चप्पल सुंगा देनी चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए भी अवेयर करते हैं कि ये सारी चीजें गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो स्पेसिफिक उसका इलाज है या फिर स्पेसिफिक जो उसके लिए क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद है दे एडवोकेट फॉर साउंड लीगलाइजेशन रेगुलेशंस एंड पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड टू डिसीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। उसके बाद जो आपके फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड लीगलाइजेशन रेगुलेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। लीगलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नियम कानून, ठीक है, इनके लिए जो भी जरूरत के सामान होते हैं या फिर जो भी जरूरत है या फिर जो भी होना चाहिए, इन सब के लिए वो कानूनी तरीके से कार्रवाई भी कर सकते हैं। उसके बाद है दे इन्वॉल्व इन पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च। ये किसमें, पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च में भी इन्वॉल्व होता है, एंड ऑल्सो इनिशिएट कंपेरिजन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यू नॉलेज। अब अलग अलग इनके अभियान चलते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड केयर का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन कितनी ग्रो करी है, डेमोग्राफी वगैरह में भी एक फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, हेल्थ से रिलेटेड भी होता है, तो पब्लिक से रिलेटेड जितने भी है पब्लिक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होते हैं उनमें भी फार्मासिस्ट का रोल होता है, और ये अलग अलग अभियान चलाते हैं जिससे कि लोगों की नॉलेज क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, और वो फार्मा के लिए सबसे बड़ी चीज है, फार्मा के लिए, जैसे कि क्या है ना कि लोकल एरिया में, रूरल एरिया में अभी भी जिसने प्रैक्टिस कर ली, जिसे दवाई देना आता है, वो कोई भी उसके पास डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, बैठ जाता है दवाई देने के लिए, तो इन सारी चीजों के लिए भी लोगों को अवेयर करने का काम किसका होता है, एक फार्मासिस्ट का होता है। उसके बाद सेवंथ पॉइंट इज दे पुट अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन ड्रग पॉलिसी, ड्रग यूज एंड रिजल्ट एज वेल एज अदर हेल्थ केयर एक्सेप्ट इन कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल एट अ कम्युनिटी लेवल। देखिए वही चीज जो मैंने पहले तो आपको पॉइंट अभी बता दिया, उसी से कोरिलेट करता हुआ ये आगे का पॉइंट है, दे पुट अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। ये जो आप मतलब हेल्थ केयर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें नॉलेज, लोगों की नॉलेज हमें किस तरीके की बढ़ानी है, जिससे कि ड्रग के लिए लोगों की, दवाई के लिए या फिर हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बने लोगों का, ठीक है, ड्रग पॉलिसी के लिए, ड्रग यूज के लिए, रिजल्ट एज वेल एज अदर हेल्थ केयर एक्सेप्ट इन कोलैबोरेशन विद, और ये सब किसके, एक फार्मासिस्ट अकेला ये सारे काम नहीं कर सकता, वो किससे कोलैबोरेट करके करता है, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं, किस पे, एक स्टेट लेवल पे कम्युनिटी होती है, एक स्टेट लेवल पे या फिर बोल सकते हैं एक सिटी पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनसे कोलैबोरेट करके क्या करते हैं, ये ऐसे प्रोग्राम्स रन करवाते हैं जिनमें लोगों को अवेयर किया जाए मेडिकेशन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। उसके बाद सेवन पॉइंट इज दे पार्टिसिपेट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग पॉलिसी कंप्राइजिंग ऑफ ड्रग रेगुलेशन। उसके बाद जो ड्रग फॉर्मुलेशन, दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं उनमें उनका वो तो काम फार्मासिस्ट का होता ही है, उनमें भी ये पार्टिसिपेट करता है, कंप्राइजिंग ऑफ ड्रग रेगुलेशन, और ड्रग के रेगुलेशन में भी एक फार्मासिस्ट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद एट पॉइंट इज दे डेवलप गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया फॉर फॉर्मुलरीज। जो अलग अलग फॉर्मुलरीज होती हैं मींस आपके फार्मेसी डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी मेडिकल डिपार्टमेंट में, उनके लिए जो गाइडलाइंस, मतलब उनके लिए गाइडलाइंस या फिर कोई भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी एक फार्मासिस्ट निर्माण कर सकता है। उसके बाद है नाइन्थ पॉइंट, दे कोलैबोरेट विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू डेवलप ट्रीटमेंट गाइडलाइन। जैसे कि क्या होता है, ट्रीटमेंट गाइडलाइन का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक पेशेंट है, ठीक है, कोई भी ये पेशेंट है और ये जाता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाने के बाद एक नर्स
रात को ये पेशेंट क्या हुआ, एडमिट हुआ, तो एक कोई नर्स है जिसने रात की जिसकी ड्यूटी थी उसने इस पेशेंट की टेक केयर की, तो कोई इम्प्रूवमेंट सुबह तक नहीं हुआ या एक दिन तक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे कोई वार्ड बॉय या फिर कोई दूसरी नर्स उस पेशेंट की टेक केयर करने लगी, तो उसमें 50% रिकवरी देखने को मिल गई विद इन सम आवर्स, ऐसा बोल सकते हैं कुछ घंटों में ही 50% वो पेशेंट रिकवर हो गया। तो ये क्या होता है, हॉस्पिटल तो वही है लेकिन क्या हुआ, गाइडेंस जो उसे मिल रही है वो दोनों अलग अलग तरीके की मिल रही है। कि यहाँ पहले कौन सी गाइडेंस मिल रही थी जिससे उसे 1% भी रिकवरी नहीं हुई, और फिर कुछ ही घंटों में ऐसी गाइडेंस मिली कि कुछ ही घंटों में वो पेशेंट 50% तक रिकवर हो गया। तो ये होती हैं कुछ ऐसी कि क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हो सकती हैं, क्या हम चेंजेस कर सकते हैं जो गाइडलाइंस है ट्रीटमेंट की उनमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें भी एक जो फार्मासिस्ट होता है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ कोलैबोरेट करके इन पे नई नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पे ये आपका लास्ट पॉइंट था। अब अगर मैं बात करूं आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के कोर्स से रिलेटेड या फिर कंप्लीट, जैसे कि सोशल फार्मेसी का हमने ये टॉपिक्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको डिटेल में कंप्लीट पढ़ना है तो आप प्ले स्टोर से जाके उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स प्लस ई बुक्स वगैरह सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहां से जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।